नमस्कार साथियों, मैंने आपको पिछली दो वीडियोज में बताया था कि बीएड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन और क्लैरिफिकेशन पिटीशन याचिका दायर की गई है। रिव्यू पिटीशन के बाद वो क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने वाले हैं। साथ ही साथ कल वो केवीएस हेडक्वार्टर भी गए और उन्होंने केवीएस से गुहार लगाई कि जब तक रिव्यू पिटीशन का फैसला नहीं हो जाता, आप तब तक केवीएस पीआरटी का रिजल्ट जारी ना करें। उसका काफ़ी लोगों ने विरोध भी किया कि 1 महीने के बाद रिव्यू पिटीशन नहीं लगाई जा सकती, केवीएस ने उनको भगा दिया। हालांकि मुझे जहां तक जानकारी है, केवीएस के द्वारा देवेश शर्मा और इनके 10-11 साथियों को बोला गया था कि आप के कहने से कुछ नहीं होगा जब तक हमें कोर्ट की तरफ से कोई लीगल इन्फॉर्मेशन या नोटिस नहीं आ जाता। हम केवीएस पीआरटी रिजल्ट को किसी भी हालत में नहीं रोक सकते। तो आज देवेश शर्मा की तरफ से एडवोकेट के माध्यम से केवीएस को लीगल रूप से इन्फॉर्म किया गया, जिसका जिक्र मैंने आपको पिछली वीडियो में किया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीएड वाले हैं वो प्रोटेस्ट के माध्यम से भी सरकार पर भी दबाव बनाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं जिन साथियों ने दिल्ली प्रोटेस्ट की आज दोपहर 12 बजे के बाद परमिशन ली है, उसका कल 11 बजे से पहले कंफर्मेशन बता दिया जाएगा। जो भी साथी बीएड के लिए धरना आंदोलन कर रहा है, अखिल भारतीय बीएड संघ सभी का समर्थन करता है, बशर्ते एनसीआर जैसी जगह पर परमिशन होनी चाहिए। ये चाहते हैं कि किसी इम्पोर्टेंट जगह पर परमिशन हो। मैं आपको दूसरी जानकारी भी देता हूँ, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आज की ही न्यूज़ है। दिल्ली एनसीटी के सामने 21 सितंबर प्रोटेस्ट की इंटीमेशन शैलेंद्र सोलंकी जी द्वारा दी गई और 22-23 सितंबर प्रोटेस्ट की इंटीमेशन पंकज पांडे जी संयुक्त मोर्चा द्वारा दिलवाई गई। मेरा सभी को समर्थन है, मैं शैलेंद्र जी से बात करूंगा, वह एक दिन 22 सितंबर का समर्थन करें। मीन्स एक दिन ये एनसीटी के सामने भी प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो सभी लोग सूचना से संबंधित रहें, अपने अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें। मैं डीएलएड वालों, बीटीसी वालों, बीएसटीसी वालों से आग्रह करूंगा, आप भी कहीं ना कहीं प्रगति करते रहें। अब कहीं ऐसा ना हो कि आपको इतना सब कुछ मिलने के बाद भी हाथ धोना पड़ जाए। हालांकि चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन जब कोई इतनी मेहनत करेगा तो कुछ ना कुछ हाथ तो लग सकता है। बाकी आपकी क्या राय, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।